इंस्टाग्राम रील्स के लिए बीट सिंक रील बनाना काफ़ी ज़्यादा आसान है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर बीट सिंक रील होती कैसी है। होता कुछ भी नहीं है, बेसिकली 4-5 फोटोज़ रहते हैं और उनके बैकग्राउंड में एक म्यूज़िक रहता है और उसी म्यूज़िक की बीट पर तुम्हारे फोटोज़ डांस करते हैं, बस इतना ही है। और ये रील काफ़ी ज़्यादा आसानी से बन जाती है, काफ़ी सारी एप्लीकेशन आपको देखने को मिल जाते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम यूज़ करेंगे कैपकट एप्लीकेशन, जिसमें काफ़ी सारे एडवांस फीचर है जिनका तुम आसानी से मजा ले सकते हो। लेकिन अगर अभी तक आपने कैपकट एप्लीकेशन को डाउनलोड ही नहीं कर रखा तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं एक मज़ेदार ट्रिक बताता हूँ, जिसकी हेल्प से आपको कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ इंस्टाग्राम में फोटोज डालने हैं और आपकी रील बनकर तैयार हो जाएगी। उसके बाद आपको मैन्युअली एडिट करना सिखाऊंगा, तो चलें लेट्स गो। सबसे पहले आपको अपने इंस्टाग्राम रील्स के सेक्शन पर आ जाना होगा और यहाँ पे अपने कुछ फोटोज को सिलेक्ट करना होगा और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ऑटोमेटिकली आपके फोटोज अरेंज हो चुके हैं ऑन सर्टन ऑडियो। आप यहाँ पे ऑडियो को भी चूज कर सकते हो और यहाँ पे ऑडियो को सर्च भी कर सकते हो। जिस भी ऑडियो के ऊपर आपको अपने फोटोज को अरेंज करना है, यहाँ से आप उस ऑडियो को चूज करके अपने फोटोज को एक बीट सिंक रील बना सकते हो। यहाँ से नेक्स्ट करो और यहाँ पे अपने रील को अपलोड कर सकते हो। तो हम इस बीट पर मैनुअल रील बनाने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ कैपकट एप्लीकेशन। कैपकट एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद न्यू प्रोजेक्ट को क्लिक करो। आप यहाँ पे डिफरेंट वे से अपनी रील बना सकते हो। सबसे पहले आपको इस वीडियो को ऐड करना होगा। सबसे पहले हमें ये ट्रेंड वाला पार्ट चाहिए होगा, क्योंकि हमें इसी के अकॉर्डिंगली अपनी रील को बनाना है। तो अपनी क्लिप के ऊपर टैप करो एंड देन गो टू स्प्लिट और ये आगे वाला एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट कर लो। इसके बाद हमें प्लस वाला आइकन दिखेगा, इजिली क्लिक ऑन इट एंड देन गो टू फोटोज और यहाँ पे आपको अपने 4-5 फोटोज को सिलेक्ट कर लेना होगा एंड देन क्लिक ऑन ऐड। अब यहाँ पे हमें एक तो म्यूजिक ऐड कर रहे हैं, उसके बाद टाइमिंग एडजस्ट करनी है इन फोटोज वाली क्लिप्स की। लेकिन उससे पहले इन फोटोज का आपको साइज फिट करना होगा अपनी स्क्रीन के ऊपर और अब यहाँ पे आपको अपना ऑडियो ऐड करना होगा एंड देन गो टू एक्सट्रैक्टर और यहाँ पे आपको उस रील को सिलेक्ट करना होगा जिसका आपको ऑडियो चाहिए। मुझे इसी का ऑडियो चाहिए, देन इंपोर्ट साउंड ओनली। अब आपको क्या करना होगा, अपने बीट के अकॉर्डिंगली अपनी क्लिप्स को एडजस्ट करना होगा। काफी ज्यादा आसान है, आपको अपनी बीट के ऊपर टैप करना है एंड देन क्लिक ऑन मैच आउट और यहाँ पे आपको सबसे पहले एक फीचर देखने को मिल जाता है विच इज ऑटो जनरेट। अगर आपको इन फोटोज की टाइमिंग वगैरह पता है तो आप यहाँ से सिंपली एड बीट करके उन टाइमिंग को एडजस्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको ऑटो जनरेट फीचर का यूज कर ही लेना चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसको इनेबल करता हूं एंड देन ऐड बीट्स। यहां पे थोड़ा सा टाइम लेने के बाद ये ऑटोमेटिकली बीट्स ऐड कर लेगा। आप यहां पे देख सकते हो काफी सारी बीट्स ऐड हो चुकी हैं, लेकिन हम यहां पे श्योर नहीं हैं कि ये सारी टाइमिंग ठीक हैं, इसलिए आपको इसको फिर से एनालाइज कर लेना होगा और अपनी ऑडियो को सुन करके इनकी टाइमिंग एडजस्ट कर लेनी होगी। तो जैसा कि आपने यहाँ पे देखा कि इन स्टार्टिंग मैंने थोड़े बहुत मार्क्स को सेट किया, लेकिन उसके बाद हमारे सारे मार्क्स ऑलरेडी सेट थे। अब आपको करना कुछ भी नहीं है, अपने फोटोज को यहाँ पे एडजस्ट करना होगा अकॉर्डिंग टू योर मार्क। यहाँ से हमें इस फोटो को कुछ इस तरीके से एडजस्ट करना होगा और यहाँ पे तुम्हें सेकेंड मार्क के अकॉर्डिंग इसको सेट करना होगा। सारा का सारा प्रोसेस सेम है, आपको सिर्फ अपने फोटोज को एडजस्ट करना होगा अकॉर्डिंग टू योर मार्क। बाकी वाले फोटोज हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। अब आपको इन फोटोज में एनिमेशंस ऐड करने होंगे। अपनी फोटो के ऊपर टैप करते हुए देन गो टू एनिमेशन और यहाँ पे आप इन एंड आउट एनिमेशन में जाकर के अपनी कलाकारियां दिखा सकते हो। मैं यहाँ पे जाने वाला हूँ कॉम्बो में और यहाँ पे मैं पेंडुलम इफेक्ट का यूज करूंगा। अकॉर्डिंग टू माई रील मुझे यही इफेक्ट को यहाँ पे यूज करना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट फोटो पे यूज करेंगे पेंडुलम 1 एंड देन सेकंड पे आ जाओ और यहाँ पे हमें रखना होगा पेंडुलम 2। मतलब अल्टरनेटिव एनिमेशन आपको ऐड करने होंगे इन सारी फोटोज में और यहाँ से डन करते हैं। आपकी रील बनके तैयार हो चुकी है, आप यहाँ पे अपनी रील को देख सकते हो। अपनी रील सेव करने के लिए आपके एरो वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करना होगा और आपकी वीडियो एक्सपोर्ट होती चलेगी इन योर गैलरी। और अगर आप इंस्टाग्राम रील्स पर फोटो रील्स ज्यादा बनाना पसंद करते हो तो मैं आपको एक अकाउंट सजेस्ट करता हूँ। वहाँ पे जाकर के आप उनके ट्यूटोरियल्स और टाइमिंग देख सकते हो और ये भी पता लगा सकते हो कि कौन से म्यूजिक इस टाइम पर ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, विच इज रील्स ट्यूटोरियल्स। जिनको नहीं पता, इस पेज के ऊपर हमें इंस्टाग्राम रील्स के ट्यूटोरियल्स मिलते हैं लाइक दिस। ये एक बीट सिंक रील है, आपको यहाँ पे टाइमिंग भी देखने को मिल जाएगी। वैसे अगर आपके इंस्टाग्राम रील्स पर व्यूज नहीं आ रहे तो ये वाली वीडियो देखो यार, क्या कर रहे हो आप, सब कुछ बता के रखा है, देखो।